हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेज बाय राजेश में। दोस्तों, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की भांति आप भी इस साल से अगले साल और ज़िंदगी में हमेशा यूं ही खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। तो दोस्तों, आज हम वही जो अपनी सीरीज चल रही थी न्यूज़पेपर से, जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, 10 हम रोज़ाना लेते हैं, और ये 8वां वीडियो होगा इस सीरीज़ का। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, हाल ही किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन उत्पाद बेचने हेतु खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में ऑनलाइन उत्पाद बेचने हेतु खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता किया है? मिंत्रा है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। कौन सी है दोस्तों? तो ये कंपनी है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को चुनौती देने के लिए भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर एक बुनियादी ढांचा योजना की तैयारी की है? 7 देश है, 8 देश है, 3 है या फिर 4 है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 3 देशों के साथ मिलकर भारत ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को चुनौती देने के लिए बुनियादी ढांचा योजना की तैयारी की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश में चल रहे राजनीतिक संकट के दौरान हाल ही चीन ने हिंद महासागर में 11 युद्ध पोत उतारे हैं? तो मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है या फिर बांग्लादेश है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर होगा मालदीव। मालदीव देश में चल रहे राजनीतिक संकट के दौरान चीन ने हिंद महासागर में हाल ही में 11 युद्ध पोत उतारे हैं। तो कौन सा देश? मालदीव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट में कितनी भारतीय भाषाओं के विलुप्त होने की आशंका जाहिर की गई है? तो कितनी भारतीय भाषाओं के विलुप्त होने की आशंका जाहिर की गई है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा 42 भाषाओं की, भारतीय भाषाओं के विलुप्त होने की आशंका हाल ही में जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट में जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही किस देश की एक कंपनी द्वारा लकड़ी से 70 मंजिला इमारत बनाए जाने की घोषणा की गई है? एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, ऑप्शन बता दें, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर जर्मनी? तो इसका सीधा सा आंसर होगा जापान। जापान की एक कंपनी द्वारा लकड़ी से 70 मंजिला इमारत बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये आप इसका अनुमान ऐसे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जापान में ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और वहाँ पे लकड़ी के मकान होते हैं। तो ऐसा कारनामा कोई भी करेगा तो वो भूकंप से पीड़ित देश ही कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, जापान इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, गणगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? क्वेश्चन नंबर 6 है, पणिहारी, वालर, घूमर, नेजा। तो कौन सा नृत्य करती है गणगौर के ऊपर स्त्रियां? तो इसका आंसर होगा घूमर। गणगौर पर स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? तो शाहनवाज खान है, टोडरमल है, अब्दुल रहीम खान खाना है, मुल्ला दो प्याजा है। तो कौन था जिसने अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला की शुरुआत की या निर्मित की? तो क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों इसका आंसर होगा टोडरमल ने। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, टोडरमल ने अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति निर्मित की। क्वेश्चन नंबर 8 है, खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यशोवर्मन ने, धंगदेव ने, कीर्तिवर्मन ने या फिर गंडदेव ने? तो कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और इसका आंसर होगा यशोवर्मन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यशोवर्मन ने खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? यशोवर्मन ने किसका निर्माण कराया था? खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश से थे, बिहार से थे, तमिलनाडु से थे? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो इसका आंसर होगा तस्मानिया, लक्षद्वीप, मालदीव, रामेश्वरम। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका दोस्तों आंसर होगा लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और अभी भी पूछे जाने की संभावनाएं है। तो ये जो पुलिस भर्ती अभी निकली हुई है उसमें इसको ध्यान में रखिएगा। अगर अगर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन को लेकर तो ये नीचे आपको आंसर दिए हुए यहाँ से आप चेक कर लेना। वैसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के जवाब दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए यूं ही अपने स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।